ओके आई वॉन्ट टू शो यू वीडियो, आर यू रेडी? ओके ये वीडियो देखो। पिछले साल मैंने ये वीडियो रीट्वीट किया था जहां हम देख सकते हैं कि तीन लड़कियां एक केज के अंदर डांस कर रही हैं। हर डांसर को 4,000 रुपए दिए गए थे ये डांस करने के लिए, और जैसे आप देख सकते हैं कि इस केज के चारों तरफ कई लड़के हैं। जब 2014 में मैं बिहार में काम कर रहा था तो मैंने ऐसी ही चीज देखी थी, तो मैं इतना सरप्राइज नहीं था इस वीडियो को देखकर। पर जब मैंने ये चीज शनीज और अपने दोस्तों को दिखाई तो वो ऑब्वियसली सरप्राइज थे, और शायद इसको देखकर आप भी सरप्राइज हुए होंगे कि इंडिया में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसा नहीं कि ये बहुत रेयर चीज है, रूरल बिहार और ईस्ट यूपी में ऐसे इवेंट्स कॉमन है। जैसे इस इंसिडेंट पर नजर डालिए। मई 2019 में आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव ने एक वीडियो शेयर किया था ऐसे ही डांस का, जो बीजेपी ने पटना में ऑर्गेनाइज किया था। वो ये दिखाना चाहते थे कि देखिए कि बीजेपी क्या क्या चीजें करवा रही है। पर शायद लालू प्रसाद यादव को ये नहीं पता था कि उनकी खुद की पार्टी ऐसे प्रोग्राम करा चुकी है 2017 में लोगों को अपनी रैली में इकट्ठा करने के लिए। अब ये वीडियो बस इन डांसेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन लड़कियों के बारे में भी है जो इन डांसेस में परफॉर्म करती हैं। अगर आपने पंचायत का सेकंड सीजन देखा है तो आपको पता होगा कि कैसी एक डांसर जीतू के कैरेक्टर से बात करती है कि उनको क्यों ऐसी चीजें करनी पड़ती है। आपको पसंद है आपका काम? नहीं पसंद है, इसलिए एमबीए की तैयारी भी कर रहा हूँ साथ में। मतलब आप भी एक तरह से नाच ही रहे। पर ऐसी कई और लड़कियां भी हैं जिन्होंने चूज किया है ये डांसेस करना। बट मेरा अभी भी शौक है और मैं अभी भी काम करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके इस लाइन में आई हूँ। तो कौन सही है और कौन गलत है, ये हम तब डिसाइड कर पाएंगे जब हम यूपी और बिहार के इस डांस गर्ल्स के बिजनेस को समझेंगे। पटना से 1 घंटे दूर जब आप गंगा नदी को क्रॉस करेंगे तो आपको एक गांव मिलेगा। इस गांव का नाम है सोनपुर। सोनपुर अपने मेले के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि उधर एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर यानी कि पशु मेला भी होता है। अब इस मेले में आपको जानवर तो मिलते ही हैं, पर ये मेला अपने नौटंकी प्रोग्राम्स के लिए भी फेमस है, जहाँ कई लड़कियां बॉलीवुड सॉन्ग्स पर परफॉर्म करती हैं। इन लड़कियों को फ्रंट रो में देखने के लिए कई लड़के डबल प्राइस देते हैं एक फ्रंट रो की टिकट के लिए, और इन परफॉर्मेंस को कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा डांस। बिहार में ये इतने पॉपुलर हो गए हैं कि बिहार में इनको ऑर्केस्ट्रा नहीं बुलाया जाता बल्कि आर्केस्ट्रा बुलाया जाता है। ऐसे परफॉर्मेंसेस पूरी रात तक चलते हैं। इन परफॉर्मेंस के लिए पंडाल सेटअप करे जाते हैं एक ओपन स्टेडियम में, और ऐसे परफॉर्मेंसेस अब बहुत कॉमन हो गए हैं फेस्टिवल्स में, मेलों में, पॉलिटिकल गैदरिंग में और शादियों में भी। शादियों में इन चेयर्स को गद्दियों से रिप्लेस कर दिया जाता है, जहां बाराती बैठते हैं और इन परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करते हैं। अब आप में से कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि ऐसे शोज शादियों में भी होते हैं। अब आप पूछेंगे कि शादियों में लोग कंफर्टेबल कैसे फील करते हैं ऐसे परफॉर्मेंसेस को देखकर? यूपी और बिहार के लोग तो बहुत ही मॉडर्न है। इन ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंसेस में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, एक डीजे, भोजपुरी या बॉलीवुड म्यूजिक और डांसर। बिहार और यूपी में शादियों के दौरान परफॉर्मेंसेस हर बार इतने वल्गर नहीं थे। यूपी और बिहार में एक पुराना ट्रेडिशन है शादियों के दौरान डांसेस का, जिसको कहा जाता है जनवासा। जनवासा बेसिकली ऐसे परफॉर्मेंसेस थे जहाँ डांसर्स फोक सॉन्ग्स पर परफॉर्म करते थे। इन गानों में कोई डीजे नहीं होता था बल्कि लोकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे तबला, सारंगी और ढोलक का यूज होता था। पहले दिनों में बेसिकली जो दुल्हन की फैमिली थी वो दूल्हे के फ्रेंड्स के लिए ऐसे परफॉर्मेंसेस अरेंज करती थी। अब कुछ परफॉर्मेंसेस में लड़कियां भी डांस करती थी, पर कभी भी वो इतने वल्गर नहीं थे। और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1990s के दौरान आर्टिस्ट का परिवार भी उनके परफॉर्मेंस को देखने जाता था, तो ऑब्वियसली ये परफॉर्मेंस इतने वल्गर नहीं हो सकते। पर 2000s में कुछ बदलाव हुआ। क्या था वो चेंज? 2000s में जो भोजपुरी मूवी के गाने थे वो दिन बर दिन वल्गर होते गए। एक रिसर्च स्टडी ने 11 सबसे पॉपुलर भोजपुरी गानों को एनालाइज किया, और उन्होंने कहा कि इन 60% गानों के फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ ना कुछ वल्गर शब्द तो यूज किए ही गए हैं। एक लड़की की बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए जनरेटर और गोदाम जैसे शब्द यूज करे जाते हैं। नहीं समझ आया मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, तो इस गाने को सुनिए। लहंगा में सबसे बड़ा एटीएम
अब अगर आप समझदार है तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि इस गाने में एटीएम है क्या, और इंटरनेट में आपको हजारों ऐसे गाने मिल जाएंगे। अब सवाल यह है कि लास्ट 20 सालों के दौरान सडनली ऐसे गाने इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली इसके पीछे कारण है कि बिहार में बिहारी लैंग्वेजेस अब इतनी पॉपुलर है नहीं। जहाँ किसी जमाने में बिहार में 5 मेन लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर थी, अब इन सारी लैंग्वेजेस पर हिंदी डोमिनेट करती है। इसे कैथी स्क्रिप्ट का उदाहरण लीजिए, जिसके जरिए अंगिका भाषा लिखी जाती थी। आज कैथी स्क्रिप्ट को देवनागरी ने रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से लिटरेचर, कहानियां और जो गाने एसोसिएटेड थे अंगिका भाषा से, वो सब खो गए हैं। अगर आप इस चीज के बारे में और समझना चाहते हैं तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने बात करी थी कि कैसे हिंदी ने बिहारी लैंग्वेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो बिहारी लैंग्वेजेस पर डोमिनेशन हुई हिंदी की, उसके पीछे एक मेजर कारण था हिंदू हिंदी हिंदुस्तान मूवमेंट का। ये मूवमेंट और ग्रो कर गई थी क्योंकि अब कई राइटर्स देवनागरी स्क्रिप्ट में लिटरेचर लिखने लग गए थे, जैसे मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने लंबे समय से बस उर्दू में लिटरेचर लिखा था। 1915 में उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करी थी हिंदी में। अब जैसे रीडरशिप बड़ी हिंदी में, प्रेमचंद और किताबें लिखने लग गए। अगर आप मुंशी प्रेमचंद के काम के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक्स, जो आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस ऐप पर आप उनकी किताब मानसरोवर को सुन सकते हैं, और इस ऑडियो बुक के अलावा आप कई और ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर कई इंडियन लैंग्वेजेस में। कुकू FM की खास बात यह है कि वो रीडिंग को एक्सेसिबल बना देती है आपकी पूरी फैमिली के लिए। सबसे पहली बात है, आप किसी भी बुक को बहुत कम समय में सुन सकते हैं, और दूसरी बात है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कुकू FM का एनुअल प्लान बस 399 रुपीस का है, जो एक फिजिकल बुक की कॉस्ट से भी कम है। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल 50% डिस्काउंट है अगर आप मेरा कूपन कोड MOHOK50 यूज करोगे तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए। अब जब बिहार के ट्रेडिशनल गाने और लिटरेचर खत्म हो गया, तो फिर एक गैप फॉर्म हो गया बिहार के कल्चर में। और इस गैप को किसने रिप्लेस किया? भोजपुरी और दूसरी बिहारी लैंग्वेजेस में वल्गर सॉन्ग्स ने। और इसी तरह जो ट्रेडिशनल जनवासा था, वो रिप्लेस हो गया ऑर्केस्ट्रा से। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स डीजे से रिप्लेस हो गए। जहाँ लड़के डांस करते थे, अब लड़कियां डांस करने लग गई, और फोक सॉन्ग्स वल्गर भोजपुरी गानों से रिप्लेस हो गए। अब इस ट्विटर वीडियो पर वापस नजर डालिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा जो एग्जैक्टली जीतू ने पूछा था, ये सब नाचना वाचना छोड़ क्यों नहीं देती। अब इन डांसर्स के भी डिफरेंट मोटिवेशंस हैं। कुछ डांसर्स है पूजा जैसी, जो अपनी ग्रुप की स्टार परफॉर्मर है, और जो मानती है कि ये चीज उनका प्रोफेशन है और वो अपने हिसाब से काम करेंगी, और ये एक उनके लिए जरिया है एक स्टार बनने का। वहीं दूसरी लड़कियां हैं जिनका स्टार बनने का कोई ख्वाब नहीं है, पर ये प्रोफेशन उनके लिए एक जरिया है पैसे कमाने का, अपना पेट भरने का। चंपारण के जर्नलिस्ट श्रीकांत सौरभ ने बताया कि बिहार के चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट में आपको हजारों ऑर्केस्ट्रा कंपनीज मिल जाएंगी। ऐसी एक कंपनी को चलाते हैं अशोक कुमार, जो कहते हैं कि डांसर्स को ना स्मोकिंग अलाउ होती है, ड्रिंकिंग, ना कोई बॉयफ्रेंड, और वो अपना फोन नंबर भी किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकती। इसके बदले में अशोक उनके ठहरने का और खाने का बंदोबस्त करते हैं, और हर रात के परफॉर्मेंस के लिए 3-6 हजार रुपए भी देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में ऐसी भी कई लड़कियां हैं जो 18 साल की भी नहीं है, और उनको मजबूरन ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, जो ऑब्वियसली एक क्राइम है। वो लड़कियां जो वेडिंग सेरेमनीज और ऐसी जगह परफॉर्म करती हैं, मोस्टली वो लड़कियां एक्चुअली बिहार से होती नहीं है। उनको बिहार लेकर आया जाता है ट्रैफिकिंग के जरिए, हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए। एक चंपारण के एक्सपर्ट ने कहा कि ऐसी यंग लड़कियों को यूजुअली बंगाल, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और कई बार नेपाल से भी लाया जाता है। पिछले साल चंपारण की पुलिस ने 10 छोटी लड़कियों को रेस्क्यू किया था, जो वेस्ट बंगाल से ट्रैफिक हुई थी। पर ये इंडस्ट्री अब इतनी बड़ी हो गई है कि बिहार पुलिस हर क्राइम को नहीं पकड़ पाती। जैसे अशोक कुमार, जो खुद की ऑर्केस्ट्रा कंपनी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि वेडिंग सीजन के दौरान वेस्ट बंगाल, झारखंड, मुंबई और दिल्ली में उनके एजेंट्स हैं, जो हर बार उनको अलग अलग लड़कियां भेजते हैं, और मोस्ट लड़कियों के पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है। 2017 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था अनारकली ऑफ आरा। ये मूवी बिहार में एक डांसर की लाइफ दिखाती है, और कैसे इस डांसर को एक परफॉर्मेंस के दौरान पावरफुल लोग मोलेस्ट करते हैं, छेड़े हैं, सबके सामने मारे हैं और फिर धमकी भिजवाए। सबको लगता है हम गाने वाले लोग हैं, तो कोई आसानी से बजा भी देगा। और ये बस फिल्म की बात नहीं है, असली जिंदगी में भी कई डांसर्स के साथ ऐसा होता है। न्यूज रिपोर्ट्स ने दिखाया कि कैसे कई गेस्ट रेप करते हैं इन डांसर्स का। मार्च 2020 में बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से 6 डांसर्स को रेस्क्यू किया गया था, जो नेपाल से थी, जिन्होंने बताया कि कैसे उनको छोटे छोटे कपड़े पहन के वल्गर गानों पर
डांस करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और अगर आप ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से पूछो जो इन लड़कियों को एक्चुअली हायर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ, तो कई ओनर्स कहते हैं कि ऐसे परफॉर्मेंसेस के दौरान ऑडियंस और वीआईपी लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी, जो खुद का ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलाते हैं, वो कहते हैं कि उनके हिसाब से उनका ग्रुप एक आर्टिस्टिक ग्रुप है, पर लोग ही अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। वो स्टेज पर चढ़ जाते हैं, डांसर्स को छूते हैं और पैसों को अपने मुंह में डालकर उनके साथ डांस करने लग जाते हैं। आपने कई वीडियो क्लिप्स भी देखी होंगी कि कैसे कई बार इन डांसर्स की जान भी चले जाती है एक्सीडेंटल फायरिंग में। 25-year-old woman was killed in celebratory firing during a wedding ceremony in Bathinda in Punjab on Saturday evening. Kulvinder Kaur suffered a gunshot in her stomach and died on the spot. A video of the entire incident has gone viral on the social media. अब obviously बात है कि जो human trafficking का angle है वो तो exist करना ही नहीं चाहिए। सारी state की police को coordinate करना चाहिए ताकि कोई भी लड़की को ऐसी चीजों से गुजरना ना पड़े। और रही उन dancers की बात जो actually ऐसे performances करना चाहती हैं, तो responsibility रहती है orchestra group और organizers की कि dancer के साथ कुछ गलत ना हो। अब कई पॉलिटिशियंस और स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि भोजपुरी गानों से ऐसी वल्गर चीजें हटा देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी कहा था कि ऐसी कोई भी मूवी जो वल्गैरिटी को प्रमोट करेगी उसको यूपी सरकार से कोई समर्थन नहीं मिलेगा। यूपी सरकार ने भोजपुरी इंडस्ट्री की फूहड़ता पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। अब उन फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी नहीं दी जाएगी जो फिल्म और गाने की आड़ में अश्लीलता परोसेंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में उन निर्माताओं और निर्देशकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पर अगर आप इस चीज के बारे में सोचोगे तो ऐसी चीजों को बैन करना इतना आसान नहीं है। अगर आप कुछ वर्ड स्पेसिफाई भी कर लेते हो कि उनको बैन कर देना चाहिए, लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे अपने गानों को वल्गर बनाने के लिए। लहंगा में सबसे बड़ा एटीएम। पर मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जब मैंने इस वीडियो को देखा मेरे अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग थी। मेरे दिमाग में ये आया कि कितनी घटिया चीज है और लोग ऐसी चीजें कैसे देख सकते हैं। ऐसे ही रिएक्शंस मेरे फ्रेंड्स के भी थे। पर अगर आप सोचोगे कि अगर कुछ डांसर्स हैं जो अपनी कंसेंट के साथ ऐसी चीजें कर रही हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कई कंट्रीज हैं जैसे हंगरी, चेक रिपब्लिक, थाईलैंड और अमेरिका, जहाँ स्ट्रिप क्लब्स बहुत कॉमन है। ऐसे वीआईपी डांस क्लब्स कई हॉलीवुड मूवीज में भी देखे जाते हैं। पर ऐसा क्यों है कि अगर मैं हैंगओवर का सीन देखता हूँ मुझे अजीब नहीं लगता, पर अगर मैं ऐसी ही चीज बिहार में देखता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता ये देखना? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं अपने आप को एलीट मानता हूँ तो यूएस में ये चीज ठीक है पर बिहार में नहीं? ये क्या इसलिए है कि यूएस में जो लोग स्ट्रिप क्लब्स में जाते हैं उनके पास पैसा है, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, जबकि बिहार में ऐसा नहीं है? या फिर इसलिए है कि मेरे दिमाग में है कि यूएस में शायद ये डांसर्स सेफ है, वहीं बिहार में मेरे पास आइडिया नहीं है? और कुछ हद तक ये मुझे मेरी हिपोक्रेसी बताती है कि वेस्टर्न देशों में कुछ चीजें सही हैं पर बिहार और यूपी में नहीं। आपको क्या लगता है? तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको शायद दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर ना मिले। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।